हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स सो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं विन का जोड़ और घटाव। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 4/2 + 8/4। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये सिखाते हैं। सबसे पहले हमारा ये हम जान लेते हैं कि जब भी जो एलसीएम निकलता है विन के जोड़ में, सबसे पहले एलसीएम निकलता है, और जब भी एलसीएम निकलता है तो दो अंकों का निकलता है, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे 4 और 2 का, 4, 2 और 4, या 4 या 2, एक ही बात हुआ। तो हम 2 या 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम रफ के लिए यहाँ पे ले रहे हैं 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 2 और 4 ये दोनों पहाड़ा किसी एक पहाड़े में आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 2 और 4 दो के पहाड़े में बहुत आसानी से आ रहा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, जैसा कि हम बोले थे कि दो अंक को कटना चाहिए, यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए तभी इसका एलसीएम निकलेगा। यहाँ 1 आ गया इसीलिए इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ से गुना कर देंगे इसे, तो ये देखें 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया है, 4। सबसे पहले हम यहाँ इक्वल का चिन्ह देंगे, अदरवाइज़ हमारा गलत हो जाएगा। हमारा 4 आया है, सबसे पहले एलसीएम यहाँ ले लेंगे, 4 ले लिए हैं। उसके बाद ये जो 4 है इसे हमें 2 से भाग देना है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना, अगर 2 को हम 4 से भाग दें कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, यहाँ 2, यहाँ क्या किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ प्लस देंगे। अब हमारा क्या है, 8, तो हम 8 गुना, ये क्या है, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो हम इन सभी को गुना कर लेंगे, हमेशा हमें इक्वल का निशान देना है, 4 दूनी 8 + 8 = 8 / 4 इक्वल 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 हम ले लिए हैं 4। हमारा ये आंसर भी सही है, लेकिन अगर हम इसे भाग दे दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये 4 को कितने बार में पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 4 चौके 16, तो ये कट रहा है, 4 बार में हमारा कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 6/4 + 3/13। तो हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 12 का, 4 और 12 का एलसीएम हम लेंगे। तो हम फिर से देखेंगे कि 4 और 12 कौन सा पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, ले लेते हैं हम 2 दूना 4 और 2 6 12। फिर से हम इसे पढ़ेंगे, फिर से ये 2 अंक बचा हुआ है तो ये कट रहा है, फिर से हम 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, अब ये नहीं कटेगा तो हम इसे गुना कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा कितना आ गया एलसीएम, 12। तो हम यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लेंगे और हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 12। फिर से हम यही करेंगे, ये देखें 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना, और नीचे वाला अंक से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, ऊपर से गुना होता है और नीचे से भाग, तो 4 को कितना बार में पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 3 प्लस, फिर से ये क्या हमारा 3 गुना, फिर 12 को कितना बार में पढ़ेंगे 12 आएगा, 1 बार में इक्वल। फिर से 6 को हम अब 3 से गुना करेंगे, 6 को 3 बार पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 + 3 एकम 3 / हमारा क्या है, 12। इन सभी को हम जोड़ देंगे, अब 18 और 3 कितना होता है, 21 21/12। तो हमारा ये नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घटा, भिन्न का घटा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये है 8/4 - 3/8।
तो हम इसमें भी यही प्रोसेस अपनाएंगे, चार और आठ का एलसीएम लेंगे, चार और आठ का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो ये देखें, दो दूनी चार, दो चौके आठ, ये भी हमारा अभी बचा हुआ फिर अभी कटेगा, तो ये हो जाएगा दो एकम दो, दो दूनी चार। हम इसे गुना कर लेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, आठ। हम यहाँ इक्वल देंगे और यहाँ पे एलसीएम हम आठ लिख देंगे। फिर से हम यही प्रोसेस अपनाएंगे, ऊपर से गुना और नीचे से भाग। तो ऊपर का आठ गुना चार को कितना बार पढ़ेंगे कि आठ आएगा, तो चार दूनी आठ, दो माइनस फिर से तीन गुना आठ को भागा देंगे आठ से, तो एक बार में कट रहा है एक, इक्वल आठ को दो से गुना करेंगे, आठ दूनी सोलह माइनस तीन को एक बार में, तीन एकम तीन बटा आठ, इक्वल सोलह को तीन से घटाएंगे, तो सोलह में तीन जाएगा तो कितना बचेगा, घटाइए तेरह, तेरह बटा आठ। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नौ बटा दो माइनस चार बटा छः, फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे, दो और छः का इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितने कितने पारा माता है, दो और छः, दो के पारा मारा आसानी से, दो एकम दो, दो तीन छः, अपना ही कटेगा क्योंकि ये एक ही अंक बचा है, तो तीन एकम तीन और तीन दूनी छः, इसका एलसीएम आ गया है इक्वल छः, छः ले लिए हैं। ऊपर का गुना नीचे का भाग, तो नौ गुना दो तीन, फिर कितने बार में आ रहा है छः, दो का दो चार दो तीन छः, तीन बार में यह कट रहा है माइनस चार गुना छः को भागा देंगे एक बार में कटेगा एक, इक्वल हम गुना कर देंगे, नौ दूनी नौ का नौ, तीन बार पढ़ना है, नौ दूनी अठारह रुतिया सत्ताईस, माइनस चार को एक से गुना करेंगे चार बटे छः इक्वल सत्ताईस, में चार घटाना है, सत्ताईस में चार घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, तेईस, तेईस बटे छः, तेईस और छः कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये यही इसका आंसर हो गया। हमारा ये चार क्वेश्चन था, दो भिन्न का जोड़ और दो भिन्न का घटा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं पे भी परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगी फिर से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।